हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है जिसे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं। देखो अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है, भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है तो और जो भगवत स्वरूप है गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उसे क्या होगा, वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से है, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान, सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए अब क्या बकाया रह गया, जिनके प्रसन्न होने पर भी और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है तो जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुल सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है। तो हमारी बात को ध्यान से सुनो, तुम जिस परिस्थिति में हो भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा, बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत संयोग, जय नाम ते कृष्ण, कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है, जय नाम। अगर हम बोल रहे राधा राधा तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिभ्या में विराजमान है, अपार कृपा कर रही है। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता ना जिभ्या में आता है, जब महारानी जी के रजोपसेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम ने। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष है, ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले, यहीं से बाहर हटिए मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। ये भूमि जिसमें आप विराजमान है, ये महाप्रेमामृत का सार परा विद्या स्वरूप राधा नाम, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात में राधा राधा, यहाँ तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहाँ के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी यहाँ राधा राधा बोलता है, हमारी श्रवण इंद्रिय में दम नहीं इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्री धाम वृंदावन, मन नहीं लगता कोई बात नहीं, भाव नहीं बनता कोई बात नहीं, आप केवल जिभ्याग्रे, जिभ्या के अग्र भाग में उच्चारण कीजिए राधा राधा राधा, जिभ्याग्रे नहीं मन से अग्रे, मन लगे ना लगे जीभ से बोलो तुम्हारा काम हो जाएगा। नाम से जगन्नियंता सर्वेश्वर भगवान खींचते हुए हमारे पास आ जाएंगे, पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्यमाण, प्रभु हैं पतंग, नाम है डोरी, खींचते जाओ राधा राधा राधा, नजदीक आते चले जाएंगे। पतंग को पकड़ना चाहो डोरी छोड़ दो कभी नहीं पकड़ पाओगे, नाम छोड़ दो भजन छोड़ दो और साधन करो हरि नहीं अधीन होने वाले, डोरी है नाम रूपी डोरी को निरंतर खींचते राधा राधा राधा, पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्यमाण। मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए सताता है कि तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की,
जैसे किसी गृहस्थ के यहां अचानक 20 आदमी आ जाए, वो घबरा जाएगा कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, कैसे एकदम 20 आदमी एकदम। और जब बारात आती है तो 500,000 आदमी आते हैं, मुस्कुरा के स्वागत करता है, क्यों? पहले से तिथि तारीख निश्चित थी, तैयारी फिट थी। 500 की जगह अगर 100 और बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई, कोई परेशानी नहीं। हमें जहां जाना है वहां का हमें परिचय प्राप्त हो चुका है, हमारा निश्चय हो चुका है, तैयारी है पूरी, अभी जाना हो अभी चलते, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने तैयारी तो रहने की है, जाने की तो की नहीं। यहां पूरे विश्व में जितने भी हैं कोई बिरले हैं जो जाने की तैयारी में लगे नहीं, सब रहने की तैयारी में लगे नहीं। आप ये पेंट थोड़ा गंदा हो गया, नया पुतवा दीजिए, ये हो ये बनवा दीजिए, वो कर दीजिए, सब रहने की तैयारी में। आखिरी तक दांत खराब हो गए नए लगा दीजिए, आंख खराब हो गई है ऑपरेशन करके चश्मा लगवा दी, कान खराब मशीन लगा दी मशीन, हाँ वो दिल ब्लॉक हो रहा है तो नली डाल के शुरू कर दीजिए, रहने की तैयारी। अब जब जाने की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं, हमने जाने की तो तैयारी नहीं की थी। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जाने की तैयारी नहीं, और जाना पक्का है। जैसे सरकारी आदमी होता है ना, उसको बंगला गाड़ी मिलती है, प्रयोग करता है, उसकी आसक्ति नहीं होती क्योंकि कब सरकारी आदेश आ जाए कि इस प्रांत से उस प्रांत में जाना, वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो सरकारी है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं। जैसे कोई कहे ना कि ये खिड़की का कोना टूटा हुआ है, क्या है? कभी भी आदेश आ सकता है कि आपको अमुक जगह जाना है, वहां नया बंगला गाड़ी मिलेगी, ये तो सरकारी है, वो ठीक कर रहा है, हमें तो केवल सरकारी काम। बिल्कुल ऐसे ही ये सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी काम करने के लिए। भगवत प्राप्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मई, ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब जब बुलावा आया, डॉक्टर ने कहा कि बस 1 साल के हो तुम, बस ये कैंसर ले जाएगा वो, मतलब बचने की संभव, क्योंकि तैयारी जाने की नहीं की थी ना, रहने की तैयारी की थी, अब कहां जाएंगे। जितना हमने प्रेम फैलाया वो तो यही है, जितना हमने कमाया वो सब यही है, जिसके लिए कमाया वो सब यही, अब हम कहां जाएंगे, हमारा मित्र कौन होगा, हमें प्यार कौन करेगा, हमारे पास है क्या? गया मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, करम बचन अरु जीते, मन पछताई है अवसर बीते। ये सुत बनिता दिजान स्वारथ रथ, ना करुने सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, ये सब तुझे छोड़ देंगे, तैयारी कर। गुरु कृपा से हम अपने हृदय की बात करें, प्रतिपल तैयार है, क्यों? जिसे कभी स्मरण भी आया, कष्ट होता, जैसे कल था डायलिसिस हो रहा, बीच में एकदम प्रसन्नता होती है, श्री जी के पास जाना है। कहां जाना है? श्री जी के पास जाना है। मृत्यु हमारे लिए मृत्यु थोड़ी है, श्री जी के पास जाने का पास है कि अब फाइनल, अभी तक तो भाव से रहा, अब फाइनल, खत्म संसार चक्र, खत्म, अब तो अपनी लाडली के पास जाना है बस। कितना आनंद, जैसे आपका कोई प्रिय है, वर्षों से आप उससे मिलना चाहते हैं, और गाड़ी आ गई, बुलावा आ गया, चलिए आप, तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ी लगेगा कि भय लगे नहीं, एक उमगन आएगी, आप तो तुरंत तुरंत तैयार हो जाएंगे चलने के, हाँ हाँ हाँ, हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बस। ये जो मृत्यु तुम्हें भय प्रदान कर रही, तुमने तैयारी नहीं की, मृत्यु अमंगलमय नहीं है, परम मंगल है, मृत्यु शोक नहीं है, महोत्सव है, बस यही समझ नहीं पा रहे, क्यों? भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप कहा है, मैं सर्व कुछ हरण करने वालों में मृत्यु हूं, मेरे प्रीतम है मृत्यु, और कोई नहीं, श्री कृष्ण है, आलिंगन करो अपने प्यारे श्री कृष्ण का, और
निरंतर दिव्य लीला में पहुंच चलो। पर यह बात कि कोई तैयारी नहीं कर रहा, साथ जीने की तैयारी हो यही रहने, क्यों किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। यह सरकारी बंगला है, यहां ट्रांसफर होते रहते हैं, पुराने गए नए आए, पुराने गए नए आए, आप खुद देख रहे हैं कौन रहा। लेकिन अपने लोगों की बुद्धि इस बात में तैयार नहीं हो रही कि मुझे जाना है। अंदर से देखो, अंदर की बात कह रहे, बाहर से तो अभी आप कि हाथ उठाओ कितने जाना चाहते हैं, क्या जाना। जब डॉक्टर कहेगा कि जाने की बात आ गई, तुम्हारी किडनी फेल, तुम्हारा दिल फेल, तुम्हारी इतना बड़ा मुंह बगल जा, अब क्या होगा। तो तैयारी नहीं थी ना, तैयारी है तो मुस्कुरा देंगे। हाँ, अंदर से हर समय एक आनंद धारा रहती है वो किशोरी जी के चरणों की, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, वो धारा हमें जीवित किए, वो धारा हमें ऐसे प्रसन्न रखती है कि किसी को ब्रह्मा का पद मिलने पर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, जितनी प्रसन्नता हर समय बनी रहती। ये केवल महारानी जी के चरणों के आश्रय से। पूज्य बाबा कह रहे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना सुखी हो जाएंगे। वही बात, देखो बात तभी समझ में आती है जब स्थिति परिस्थिति में वो बात रहे। आप स्वस्थ हैं, सब अनुकूलता है, और फिर आप कह रहे हैं प्रभु की बड़ी कृपा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में अनुभव करें, वाणी से नहीं। एक होता है देखो कि अब भाई भगवान है, अब वो जो करेंगे तो सहना ही पड़ेगा। हाँ कृपा ही है फिर, मतलब एक सहना, और एक होता नहीं कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें कृपा है, वो बात अब सहना ही पड़ेगा। और एक है कृपा, ये कृपा है जो अनुभव होता है, ये मृत्यु को भी भयभीत कर देगी। आप दे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा परमानंद प्रकट होता है केवल लाडली जी के आश्रय से। मतलब अब जैसे हम कहें कि जिस समय हम चिंतन करते हैं तो सब तो, और हर समय करते क्या है, पर कभी कभी उसमें गाढ़ चिंतन जब होता है तब दिखाई देता है कि अरे ये जीव कैसा भ्रमित हो रहा है, कैसे इसका समय नष्ट कर रही माया, जिस समय में ये परम पद प्राप्त कर सकता उसको कैसे नष्ट कर रहा है, बड़ी भूल हो रही, बड़ी भूल हो रही। तभी जब वो अंदर से कि आप क्या इतने घंटे सो रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हो, अरे एक वो नींद आने वाली है जिसमें सदा सदा के लिए तुम सो जाओगे, होश में हो, मृत्यु आने वाली है, यहां तो काम चलाना है, भोजन पाके, क्रियाएं करके, नींद लेके, ये केवल काम चलाना है, मुख्य हमारा कार्य है भजन, क्योंकि इससे हमारी गति बनेगी, हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है। प्रभु की बड़ी कृपा, सच मानिए जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती, स्वाभाविक कैसे, सत्संग का फल है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बको मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा, बगुला हंस हो जाएगा, इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा, सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है, महात्मा की एक स्थिति होती है। यह बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना, तुम्हें कभी यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा, यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो। बर्बाद व्यर्थ करना, तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है कुछ नहीं, ये जादू है माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी, यहां दिखाई सब